हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आपका बात करने वाले हैं सीएमपी डिग्री कॉलेज की एक और नई अपडेट के बारे में जो है आपकी कट ऑफ से रिलेटेड एंड इसका जो काउंसलिंग शेड्यूल रहने वाला है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो काउंसलिंग शेड्यूल आपका बेसिकली कल का है, कल 24 दिसंबर को आपको जो है सीएमपी डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन इसके एडमिशन पोर्टल जो भी है वहाँ जाके आपको जो है काउंसलिंग करानी है। अगर आप खुद कर पा रहे हैं अपनी तो खुद से कर लीजिए, अदरवाइज मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि साइबर कैफे वाले से इसको फिल कराइए, जो भी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कराइए। बट अपने जो भी इन्फॉर्मेशन वो डाल रहे हैं उस चीज़ का एकदम विशेष ध्यान दीजिए कि वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका काउंसलिंग से रिलेटेड। तो इसकी जो एडमिशन पोर्टल है सीएमपी डिग्री कॉलेज का उसके बारे में भी जान लीजिए। तो आपका जो एडमिशन पोर्टल है वो है www.cmpadmission.cmpcollege.ac.in। एक बार फिर से सुन लीजिए, www.cmpadmission.cmpcollege.ac.in। तो ये हो गया आपका सीएमपी डिग्री कॉलेज का ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। तो यहाँ जाके इस पोर्टल पे जाके आपको जो है पहले जो आपकी एयू के मेन कैंपस का रजिस्ट्रेशन हुआ था वही जो रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह यहाँ डालनी है, पासवर्ड जो भी आपसे पूछे, तो उस चीज़ को जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता जाए आप वो इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करिए। ऐसे आप जो है अपनी काउंसलिंग वगैरह करा सकते हैं पूरी। अब देख लेते हैं आपका जो भी क्या है काउंसलिंग शेड्यूल। तो स्टार्ट करते हैं आपका बीसीए कोर्स से। तो कट ऑफ के बारे में देखते हैं। तो बीसीए में आपके किसी भी कैटेगरी की बात कर लीजिए, आपके ऑल कैंडिडेट्स यहाँ एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेबल हैं। उसके बाद देखिए BLLB की। तो BLLB की जो आपकी OBC कैटेगरी की कट ऑफ है वो है आपकी 372 एंड अबव मार्क्स, यानी कि अगर आपके 372 नंबर है या इससे ज़्यादा नंबर है तो आप यहाँ काउंसलिंग करा सकते हैं कल। एंड यही एडवाइस करूँगी कि काउंसलिंग कराने के लिए लेट मत करना अपना बिल्कुल, क्योंकि देखिए बिल्कुल लास्ट फेज पर एडमिशन चल रहे हैं। अगर कल को कहीं को वो जो आपकी कट ऑफ से अगर नहीं आती हैं तो फिर आपको ही जो है रिग्रेट होगा उसके बाद। फिर देखते हैं आपका SC कैटेगरी की जो कट ऑफ आई है वो है आपकी 162 एंड अबव मार्क्स, बाकी किसी कैटेगरी की कट ऑफ नहीं आई है। BA में देखें तो BA में आपकी OBC, SC, ST एंड EWS ये जो चारों कैटेगरी हैं आपकी, तो यहाँ जो है आपके ऑल कैंडिडेट्स एप्लीकेबल हैं अपना एडमिशन लेने के लिए। तो आप जो है एकदम से अपना एडमिशन ले सकते हैं यहाँ ऑनलाइन, जो है आपको यहाँ काउंसलिंग करानी है। BSc बायो के लिए देखें तो आपके BSc बायो में भी आपकी जो है जो आपकी पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं OBC, SC, ST एंड EWS, तो इन पर्टिकुलर चारों कैटेगरीज में जो भी है ऑल कैंडिडेट्स यहाँ एप्लीकेबल है अपना एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप लोग यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए यहाँ BSc बायो में, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ बिना कोई आपके मार्क्स को देखे हुए आपका जो है एडमिशन लिया जा रहा है। उसके बाद जो लास्ट आपका बचता है BSc मैथमेटिक्स एंड BCom। तो BCom की अगर बात करें तो आपके जो है SC एंड ST कैटेगरी में आपके ऑल कैंडिडेट्स एप्लीकेबल है, तो आप जो है यहाँ काउंसलिंग आराम से करा सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स। उसके बाद जो है आपका BSc मैथ्स, तो BSc मैथ्स में भी आपका जो है SC कैटेगरी के लिए बताया गया है कि SC कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं तो यहाँ भी जो है आपके ऑल कैंडिडेट्स एप्लीकेबल हैं। तो अगर आपके इतने मार्क्स हैं या फिर आपके जिन पर्टिकुलर कैटेगरीज के बारे में मैंने बताया है अगर आप वहाँ एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है तो अपना एडमिशन जरूर से कंफर्म करा लीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।